Assalamu alaikum. I hope you all are well. So today we are going to start our series of information security, that is CS205, right? So इसमें basically as you know कि यहाँ पर जो है वो modules में आपका total syllabus जो है वो divide किया गया है despite of 45 chapters, ठीक है? तो अब जितने भी आपके पास total modules होंगे उनमें से हाफ जो हैं वो मिड टर्म्स के होंगे और हाफ जो हैं वो फाइनल टर्म्स के, राइट? और क्योंकि इस सब्जेक्ट की कोई लैब नहीं है या प्रैक्टिकल का कोई सब्जेक्ट नहीं है तो फाइनल्स में आपको सारे के सारे मॉड्यूल्स ऐसे कवर करने भी नहीं पड़ेंगे. सो इसमें बेसिकली क्या है कि आपके LMS में जो है वो वीक वाइज लाइक वीकली डिवीजन की गई है, राइट? और उसमें जो है वो लेसन ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी है कि वहाँ से आपके लेक्चर्स व्यू करना, फिर पोस्ट असेसमेंट, प्री असेसमेंट्स, रीडिंग टैब, ये सारा कुछ जो है वो करना भी ऐसे ज़रूरी है, ठीक हो गया? तो जो फर्स्ट वीक है उसमें आपके पास 1 to 17 जो हैं वो टॉपिक्स हैं और इसी तरह से हर वीक में डिफरेंट नंबर ऑफ़ टॉपिक्स होंगे. लाइक ये वेरी करेगा, लाजमी नहीं है कि आपके पास हर वीक में 17 टॉपिक्स हों जिनको हम क्लियर उनकी डिवीजन बना सकें. सो आई हैव डिसाइडेड कि हर वीडियो में जो है वो हम इंशाल्लाह लाइक 10 जो हैं वो टॉपिक्स को कवर करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट? सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आपके पास जो मॉड्यूल है या जो टॉपिक कह लें उसे कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. अच्छा, अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम पढ़ रहे हैं. अब डेफिनेट बात है कि हमें ये पता होना ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है क्या. तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली क्या है कि इंफॉर्मेशन को और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को आपने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. किससे? अनऑथराइज्ड एक्सेस से. लाइक अगर आपका फॉर एग्जांपल ईमेल अकाउंट है या अगर आपको फॉर एग्जांपल सेल फोन है तो कोई और सेकंड पर्सन अदर देन यू अगर आपके अलावा कोई उसे यूज़ करता है तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, राइट? इसी तरह अनऑथराइज्ड यूज़ को भी हमने उससे भी प्रोटेक्ट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को और अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को. इसी तरह उसके डिस्क्लोजर से, यानी कि उसके रिवील होने से, शो होने से, ठीक है? उसके अलावा डिसरप्शन, यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास फॉर एग्जांपल जो आपका सेल फोन है वो उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट लिस्ट है तो वो इंफॉर्मेशन है. और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हुआ? वही आपकी डिवाइस, यानी कि आपका मोबाइल, ठीक है? तो ये कहने की एग्जाम्पल है. इसी तरह डिसरप्शन के हमने जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है कि कोई दूसरा बंदा जो है आके उसमें जो है वो ऐसे कोई इलीगल चेंजेस ना कर दे, इसी तरह उसको मॉडिफाई ना कर दे ज़रूरत के बगैर, या फिर उसको मतलब बिल्कुल सिरे से जो है वो डिस्ट्रॉय ना कर दे, डिस्ट्रक्शन ना कर दे, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो है SANS, यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, सिस एडमिन ऑडिट नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इट स्टैंड्स फॉर. और यहाँ पे ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी सारे लाइक कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस करवाती है साइबर सिक्योरिटी में, राइट? अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास स्लाइड है कि IT सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ऐसा डिफरेंस क्या है. देखें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है हर तरह की सिक्योरिटी. लाइक उसमें आपके पास टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी आ जाता है. इसी तरह फिज़िकल सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी. अब हमारे हमारे ग्लोब में, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको सिक्योर करना, उसके अलावा लीगल एंड कंप्लाइंस. कंप्लाइंस का मतलब होता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो हमने ये मेक श्योर करना है कि रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल या प्रोसेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इन सब को कवर करती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. और IT सिक्योरिटी क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अगर हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में अप्लाई करें तो वो IT सिक्योरिटी बन जाएगी, ठीक है? तो कहने का मकसद है कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो एक ब्रॉडर आपके पास जोन है और उसका एक पार्ट, उसकी एक सब कैटेगरी जो है वो आपके पास IT सिक्योरिटी है, ठीक है? तो ये डिफरेंस है बेसिक इनमें. अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आ गया IT सिक्योरिटी फंक्शंस और इसी तरह से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंक्शंस. तो देखिए, सबसे पहले जो आपके पास IT सिक्योरिटी है, यानी कि सिक्योरिटी दैट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दैट इज़ अप्लाइड टू IT या दैट इज़ अप्लाइड टू टेक्नोलॉजी, उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई LAN है, कोई इस तरह से कोई भी नेटवर्क है, उसको सिक्योर करना IT सिक्योरिटी के कामों में से एक है. इसी तरह कोई सिस्टम्स जैसे आपका CPU है फॉर एग्जांपल, या जैसे मैंने आपको मोबाइल फ़ोन डिवाइस की एग्जांपल दी, उसको सिक्योर करना, या फिर हम कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं उसको सिक्योर करना IT सिक्योरिटी के फंक्शंस में आ जाता है. इसी तरह डेटाबेस है कोई, जैसे SQL सर्वर में हमने पढ़ा था, या फिर फॉर एग्जांपल नादरा जैसे डेटाबेसेस यूज़ करती है, उन सब को सिक्योर करना. और उसके अलावा हमारे मोबाइल्स की सिक्योरिटी, यानी कि उसके अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं या उसके अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डेटा है,
उन सबको सिक्योर करना आईटी सिक्योरिटी का फंक्शन है, राइट. इसी तरह जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास गवर्नेंस. अब गवर्नेंस बेसिकली यही होता है कि हम कितना इफ़ेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या उसके अंदर होने वाले सारे प्रोसीजर्स को. इसी तरह पॉलिसीज़, रिस्क मैनेजमेंट के, अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कोई थ्रेट है, कोई रिस्क है, कोई वल्नरेबिलिटी है तो हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं. और उसके अलावा परफॉर्मेंस रिव्यूज़, ठीक है. तो अब परफॉर्मेंस रिव्यूज़ बेसिकली क्या होते हैं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम है तो वो कितना अच्छे से, कितना इफ़ेक्टिवली, कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, या उसमें क्या फ्लॉज़ हैं, क्या उसमें एरर्स आ रहे हैं या वक्त के साथ आ सकते हैं. तो ये सारा कुछ आ जाता है परफॉर्मेंस रिव्यूज़ में, ठीक हो गया. अच्छा अब देखें नेक्स्ट आपके पास साइबर सिक्योरिटी. अच्छा लेट मी टेक अ मिनट और यहाँ पे मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो हम स्लाइड्स कर रहे हैं उनको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिपेयर करना है. देखिए अब इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ आएंगे, लाइक जितने भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आएंगे वो भी मैं विद द पैसेज ऑफ स्लाइड्स आपको बताती जाऊँगी. और इसी तरह से जो शॉर्ट में आ सकता है तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जो कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई डिजिट्स होंगे वो आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं. इसी तरह कोई एब्रिविएशन वगैरह इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, या फिर कोई डेफिनेशंस वगैरह, तो ये ऑब्जेक्टिव में यानी कि एमसीक्यूज़ में और शॉर्ट क्वेश्चंस में. और फिर लॉन्ग को भी हम ऐसा ऐसा जो है वो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ठीक है. अच्छा अब नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी. अब साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई सिस्टम या कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम जब इंटरनेट से कनेक्टेड है, यानी कि जब वो ऑनलाइन है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उस वक्त हमने उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उस सिस्टम को, उस सिस्टम के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन को, उसको कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है. और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम रिलेटेड टू इंटरनेट, यानी कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो इंटरनेट पर किए जाने वाले क्राइम्स हैं, ठीक है. लाइक किसी का अकाउंट हैक करना या कोई इलीगल एक्सेस एंड स्टफ़ लाइक दैट, तो वो बेसिकली साइबर क्राइम्स हैं. और उन्हीं से बचने के लिए, उनसे प्रिवेंशन के लिए हम जो स्टेप्स लेते हैं, जो प्रिकॉशंस लेते हैं, उन सबको ओवरऑल मिला के हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे स्लाइड है व्हाट आर द थ्री पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. अब यहाँ पे ये अगेन लॉन्ग आ सकता है आपके पास. तो देखें पिलर्स कहते हैं बेसिक्स को, फाउंडेशंस को, या जो मतलब एक मेन पार्ट्स कौन से हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है. तो यहाँ पे देखें तीन आपके पास मेन पार्ट्स हैं किसके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के. सबसे पहले है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखना है, उसको रिवील नहीं करना, उसको डिस्क्लोज नहीं करना और किसी भी थर्ड पर्सन को बताना नहीं है, तो यानी कि कॉन्फिडेंशियल रखना है, सीक्रेट रखना है. उसके अलावा इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको ओरिजिनल फॉर्म में ही रहने दिया जाए, यानी कि उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, उसके साथ उसमें कोई इलीगल चेंजेस ना लाए जाएँ, तो ये इंटेग्रिटी में आता है. नेक्स्ट है आपके पास अवेलेबिलिटी. तो नाम से पता चल रहा है कि अवेलेबिलिटी में ये आएगा कि जो आपके इंफॉर्मेशन है या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, यानी कि जिन डिवाइसेस पे वो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो हर वक्त जो है वो यूज़ के लिए अवेलेबल हों, ये ना हो कि हमने उसमें से कोई डेटा एक्सेस करना है, कुछ फाइंड आउट करना है और वो डेटा ही, यानी कि वो इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो ये तीन पिलर्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के. ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब यहाँ पे आ जाता है कि वाई इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नीडेड. अब हमने ये तो देख लिया कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली है क्या, लेकिन नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है. क्यों? क्योंकि देखें लाइक हमने अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना है, अगर ना रखा जाए तो क्या होता है. अब इसकी एक आपकी हिस्ट्री से एग्जाम्पल आपको दी हुई है. बांग्लादेश बैंक स्विफ्ट हैक February 2016 में जो है वो ये अकर हुआ था. अब इसमें बेसिकली क्या हुआ था, स्विफ्ट हैक. अब स्विफ्ट हैक क्या होता है, लाइक बैंकिंग अकाउंट्स में या इस तरह के जो भी हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के अकाउंट्स होते हैं ना, उसमें लाइक हमारी आईडी को यूनिक बनाने के लिए जो हमारी आईडीज, हमारे अकाउंट्स, हमारे पासवर्ड्स, लॉगिन्स, ये सारे यूज़ होते हैं, तो वो स्विफ्ट इन अ सेंस उसमें आ जाते हैं, ठीक है. तो बांग्लादेश में 2016 में क्या हुआ था कि हैकर्स ने जो है वो मोर देन 3 dozen जो है वो फ्रॉडुलेंट मनी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट सेंड की थी, ठीक है. और यहाँ पे अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं कि क्या हुआ था कि तकरीबन 81 million जो डॉलर हैं वो स्टील हो गए थे इस साइबर अटैक की वजह से, ठीक है. और उसके अलावा ये जो रिक्वेस्ट हैं यानी कि इलीगल ट्रांजैक्शंस की, वो बांग्लादेश से डिफरेंट
कंट्रीज़ के डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में भेजी गई थी, जिनमें फिलीपींस, श्रीलंका और इसी तरह एशिया के दूसरे पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि टोटल इससे इफेक्ट जो है वो $1 बिलियन तक का पड़ सकता था, लेकिन $81 मिलियन जो है वो इससे स्टील हो गए। तो यहाँ पे जो है वो आपने एक तो डेट याद रखनी है कि बांग्लादेश बैंक स्विफ्ट हैक हुआ कब था, राइट, फेब 2016 में। फिर उसके बाद कितने मिलियन डॉलर्स हैं वो वहाँ से स्टील हो गए थे, 81, और एक्सपेक्टेड कितने थे, 1 बिलियन। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। इसी तरह आपको एक और एग्जांपल दी गई है, रिसेंट जो साइबर अटैक, मतलब 2017 में जो हुआ था, 2016 के बाद, तो उसमें क्या हुआ था कि यूके हॉस्पिटल्स के ज़रिए से जो है वो टारगेट किया गया था, और उसमें 99 कंट्रीज़ को जो है वो हिट किया गया था, राइट। और उसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ था, लाइक वाना डिक्रिप्टर रैंसमवेयर से, यानी कि वो जब भत्ताखोर, मे बी यू हैव हर्ड दिस इन समवेयर इन न्यूज़ चैनल, तो यहाँ पे रैंसमवेयर के ज़रिए क्या हुआ था कि 99 कंट्रीज़ जो इफेक्ट हुए थे, राइट। तो यहाँ पे आपने बस क्या याद रखना है कि जो NHS साइबर अटैक हुआ था वो बेसिकली हुआ कब था, 2017 में, और उसको कितने कंट्रीज़ उसकी वजह से इफ़ेक्ट हुए थे, 99। अच्छा जी, अब यहाँ पे बस ये देखें कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट ऑफ सस्पेक्टेड रैनसमवेयर मैसेज, अच्छा तो फिर क्या हुआ था कि वही जो आपको प्रीवियस हिस्ट्री की एग्जांपल दी हुई है उसमें इस तरह का कुछ पॉपअप मैसेज आपकी स्क्रीन पे शो होता था, और अगर उसको क्लिक करें तो हमारा डेटा जो है वो सारा कुछ हैक हो जाता था, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है वाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब हम जो इतनी बात कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी हम पढ़ रहे हैं, तो ना द क्वेश्चन अराइजेस कि इन्फॉर्मेशन बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों, लाइक उसको इतना सिक्योर करना ज़रूरी क्यों है, क्यों, क्योंकि IT इज़ प्रोवेसिव इन आर सोसाइटी एंड क्रिटिकल टू द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, के हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें जितने भी ऑपरेशन फंक्शनैलिटीज़, उनकी मैनेजमेंट, उनकी सारा कुछ बोर्ड जो है वो IT पे डिपेंडेंट है। इसी तरह IT बिजनेस में और गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत यूज़ होती है। उसके अलावा जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी ईमेल्स, हमारे अकाउंट्स, हमारे गूगल अकाउंट्स, लॉगिन्स, और ये सारा कुछ, ये भी IT पे डिपेंड करता है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो वैल्यू होल्ड करती है, यानी कि उसकी एक सिग्निफिकेंस है, तो इसलिए उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है अच्छा, तो यहाँ पे जब साइबर क्राइम की एक रिपोर्ट, लाइक इकोनॉमिक क्राइम्स जितने भी होते हैं उसकी जब एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइम रिपोर्ट बनाई गई, तो पता चला कि जो साइबर क्राइम है वो सबसे ज़्यादा जो क्राइम्स रिपोर्ट किए गए हैं उनमें से top 3 में आता है, ठीक है। उसके अलावा अब जो है ये पता चला है रिपोर्ट के अगेन अकॉर्डिंग कि ड्रग ट्रेड से ज़्यादा प्रॉफिट जो है, ज़्यादा फ़ायदा या ज़्यादा ट्रेड जो है वो साइबर क्राइम्स करके जो है वो की जा सकती है। तो इसलिए देखें, अगर इतने ज़्यादा साइबर क्राइम्स हैं अराउंड अस, तो डेफिनेटली हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना, उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हु इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फॉर। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो हमने पढ़ ली कि है क्यों और है क्या और उसको प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, नेक्स्ट आ जाता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती किसके लिए। तो देखें, सबसे पहले ये पर्सनल लेवल पे इससे स्टार्ट होती है, जैसे हमारे जो सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनके जो पासवर्ड हैं या उसमें जो भी हमारा डेटा है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसी तरह से जो हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, ATMs के जो पिन्स होते हैं, इसी तरह कोई ईमेल अकाउंट्स हो गए, उनके पासवर्ड्स, आपके घर में अगर कोई PC या लैपटॉप है उसकी सिक्योरिटी, आपके पास जो सेलफोन है उसको सिक्योर करना, तो पर्सनल लेवल पे भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करें तो देखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी लाइक कंपनी होती है आपके पास, तो उसमें क्या होता है, एक बोर्ड और एग्जीक्यूटिव लीडरशिप होती है। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप का क्या मतलब होता है, लाइक आपके पास जो जिसे डीन कहते हैं या जो HODs होते हैं, जो हेड्स होते हैं, तो वो सारे कुछ जो हैं वो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप में आ जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे उनके लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह CISO चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सिक्योरिटी प्रोग्राम को रन करने के लिए, ड्राइव करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे IT स्टाफ और बिजनेस यूजर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ के सारे पॉलिसीज़ और सारे प्रोसीजर्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के अलावा कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो देखें गवर्नमेंट और नेशनल डिपार्टमेंट्स में जो है वो यहाँ पर भी
इनके लिए भी जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है या इम्प्लीमेंट की जाती है. जैसे कोई लॉ इन्फोर्स करना है, कोई कानून नया चेंज हुआ है, कोई रूल चेंज हुआ है, तो उसको इन्फोर्स करने में, उसको मेक श्योर कराने में, फॉलो करवाने में जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत है. इसी तरह कोई लीगल मेकिंग है या कोई पॉलिसीज़, कोई स्टैंडर्ड्स बनाने हैं उनके लिए. इसी तरह नेशनल डेटा बेस फॉर एग्ज़ाम्पल नादरा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी तरह क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है उसको किसी कंट्री में इंप्लीमेंट होने के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत है. रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, सर्टिफिकेशंस, उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली आपके पास क्या आ जाता है कि हम अगर कोई डिपार्टमेंट है, कोई कंपनी है, उसमें हम कितने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एसेट्स यूज़ कर रहे हैं उसको मज़ीद जो है वो ब्रॉड करने के लिए. अच्छा, यहाँ पे एक रिपोर्ट है साइबर वेलनेस प्रोफाइल की, और इसमें बेसिकली 5 एस्पेक्ट्स को कवर किया गया. एक तो लीगल एस्पेक्ट्स कवर किए गए, उसके अलावा टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, कैपेसिटी बिल्डिंग और कोऑपरेशन. और इन सबको मिला के जब एक रिपोर्ट बनाई गई तो पता चला कि जो हमारा कंट्री है मीन्स पाकिस्तान, वो यहाँ पे देखें, अगर ये रिपोर्ट हम देखें इंफॉर्मेशन टेली कम्युनिकेशन यूनिट की तरफ से, ITU की तरफ से, तो यहाँ पे देखें कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा बॉटम लाइन में है. ठीक है, इंडिया एट द टॉप मोस्ट. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जाती है या सिक्योर है यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बॉटम लाइन में है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल एस्पेक्ट से भी, टेक्निकल से भी, ऑर्गेनाइजेशनल से भी, कैपेसिटी और कोऑपरेशन और इंडेक्स सब के अकॉर्डिंग. तो पाकिस्तान अगेन एक MCQ आपके पास आ गया कि इंटरनेशनल रैंकिंग में ITU के अकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान वो बहुत ज़्यादा बॉटम में टेबल के शो किया गया है. तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी, आपकी और हम सब की, कि हमने इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना है. और इसके अलावा दूसरा, हमने साइबर क्राइम्स में ख़ुद भी इन्वॉल्व नहीं होना. और अगर इस तरह का कुछ इशू को हम डील कर रहे हैं या हम काउंटर कर रहे हैं तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको रिपोर्ट करें प्रॉपर वे से, प्रॉपर चैनल से, राइट. अच्छा, तो जब पता चला कि पाकिस्तान इतना नीचे है रैंकिंग में, इंटरनेशनल रैंकिंग में ITU की तरफ से, तो फिर कुछ साल के बाद जो है PCSA फॉर्म हुई. और PCSA बेसिकली एक एसोसिएशन है, पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन. और इसका यही मकसद था कि पाकिस्तान जो है वो ITU के इस चार्ट में अगर इतनी बॉटम लाइन में है तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाएं एंड ऑल दिस स्टफ. अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि हाउ इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड. अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, उसको फॉलो कैसे करवाया जाता है, उस पर अमल कैसे किया जाता है. तो देखें, 3 पिलर्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के. सबसे पहले बेसिकली एक ट्रायड है, एक ट्रायंगल है, जिसके एक कॉर्नर पे, एक टिप पे पीपल हैं यानी कि एंड यूज़र्स, हम लोग जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं या करवाते हैं. इसी तरह से प्रोसेसेस, वो सारे रूल्स, वो सारे प्रोसीजर्स हैं जिनके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, करवाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी, क्या तरीक़ाकार हम यूज़ करते हैं, वो आ जाता है टेक्नोलॉजी में, राइट. तो यहाँ पे ये आपको नज़र भी आ रहा है कि पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, दीज आर द 3 बेसिक पिलर्स. अच्छा, अब ये जो आपके पास स्लाइड है, लीडरशिप कमिटमेंट टर्न एट द टॉप. टर्न एट द टॉप का ये मतलब है कि जो लीडर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो लीडर्स जो भी रूल्स अपने फॉलो करते हैं या वो जैसा बिहेवियर रखते हैं, जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो जो बाकी लोग होते हैं कंपनी के, जो बाकी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो जो है वहीं से इफ़ेक्ट लेते हैं, राइट. कहने का क्या मकसद है कि जो लीडर्स होते हैं किसी कंपनी के, वो जो भी बिहेवियर, जो भी इन्वायरमेंट किसी भी कंपनी का बनाते हैं, तो बाकी एम्प्लॉयज़ और बाकी उनका स्टाफ जो है वो उसी को फॉलो करता है. तो टर्न एट द टॉप का ये मतलब है. अच्छा, अब जो लीडरशिप कमिटमेंट है उसमें आपके पास उनका क्या काम होता है लीडरशिप का, लीडर्स का, कि वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स को मेक श्योर करवाएं. उसके अलावा स्टाफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ को असाइन करें. और अगर उनकी कंपनी में फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सिस्टम्स हैं या 4 वाईफाईज हैं, वैसे 4 वाईफाईज की ऐसी ज़रूरत नहीं है, जितना भी कहने का मतलब प्रिंटर्स हैं, जितने भी स्कैनर्स हैं, उन सबको एलोकेट करना, कितने स्टाफ मेम्बर्स के पास कौन सा रिसोर्स कब तक अवेलेबल होगा, कब नहीं होगा,
इस तरह रिव्यूज़, परफॉर्मेंस रिव्यूज़, और फिर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अगर कोई भी रूल या रेगुलेशन के अगेंस्ट जाता है तो उसके लिए कैसे जो है वो अकाउंटेबिलिटी को हम मेंटेन रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, या जिसे चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर भी कहते हैं। उसका क्या काम होता है कि वो डिपार्टमेंट को हेड करता है, किस डिपार्टमेंट को, जो रिस्पॉन्सिबल हो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को फॉलो करवाने के लिए। और उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कि वो गाइड करता है प्लानिंग को, इम्प्लीमेंटेशन को, मेजरमेंट को, रिव्यू को, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोग्राम को। अच्छा, नेक्स्ट, अब आपके पास दो तरह के यूज़र्स हैं, एक आईटी यूज़र्स और एक बिज़नेस यूज़र्स। आईटी यूज़र्स वो होते हैं जो लाइक कह लें कि एक लोकल एंड पे, या एक सिंपल, फॉर एग्जांपल यू कैन बी एन आईटी यूज़र, राइट। तो उनका क्या काम होता है कि उन्होंने पॉलिसीज स्टैंडर्ड्स को जो है वो अंडरस्टैंड करना होता है। फिर उसके अलावा सिक्योरिटीज़, लाइक जितने भी सिक्योरिटी असेसमेंट होती हैं, कंट्रोल चेक्स होते हैं, उनको कंडक्ट करवाना होता है। उसके अलावा जो भी आर्किटेक्चर होगा, फ्रेमवर्क होगा, उसको अच्छे से डिज़ाइन करना है। फिर उसके अलावा SOPs, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको डेवलप करना है, कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना है। फिर अगर कोई एरर आ रहा है, कोई बग आ रहा है, तो उसको रिपोर्ट करना है। और फिर उसके अलावा जो चेंज मैनेजमेंट है, उसको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से उनको कंडक्ट करवाना, राइट। अगर कोई बिज़नेस यूज़र है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सिक्योरिटी अवेयरनेस हो, उसके पास ट्रेनिंग हो, इसी तरह वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पॉलिसी को फॉलो करे। उसके अलावा वो ऐसे बिज़नेस प्रोसेसेस को ईजाद करे या फॉलो करे जो बहुत ज़्यादा सिक्योर हों, सेफ़ हों, ठीक है। इसी तरह इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करे, आईटी यूज़र भी और बिज़नेस यूज़र भी। ओके, यहाँ पे आपके पास लास्ट स्लाइड है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम में बेसिकली आपके पास क्या होता है कि हमने क्या करना होता है कि अगर कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या सिक्योरिटी के लिहाज से रिस्क आ सकते हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या नहीं हैं, क्या गैप्स आ सकते हैं, उनको असेस करना, उनका जायज़ा लगाना, उनको इवेलुएट करना। इसी तरह सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना, फिर उनको मोनिटर करना, चेक करना, एनालाइज करना, उनको उनके ऊपर लाइक ऑब्जर्वेशंस करना। उसके अलावा इंटरनल ऑडिट होता है कि जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कंपनी, अगर हम कोई चेकलिस्ट तैयार कर रहे हैं कि कितना हो गया अकाउंट्स का काम एंड ऑल दैट। अच्छा, एक क्रेडिटेशन में बेसिकली क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई नई ऐप लाइक इंस्टॉल हुई है, या कोई नई ऐप जो अपडेट हुई है, तो मेक श्योर करना कि वो पिछले सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करती है या नहीं, या जो पूरी गवर्नेंस है, पूरे रूल्स हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। इसी तरह टेस्टिंग में क्या आता है कि हमने जो भी हम नया कुछ इंटीग्रेट करने जा रहे होते हैं, उसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेस्ट जो है वो हम अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई ये जो नया सिस्टम है वो फॉलो किए जाने के काबिल भी है या नहीं, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास, हु आर द प्लेयर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब बेसिकली लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में प्लेयर्स कौन है, लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किस किस के लिए है, या किस किन किन लोगों के लिए, किन किन डिपार्टमेंट्स के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास आ जाती है गवर्नमेंट, लाइक गवर्नमेंट में आपके पास जो है वो, जैसे नादरा की मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कोई भी फेडरल ब्यूरो है, कोई इस तरह से जितने भी पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ज़रूरी है। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं उनके लिए, एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं, वेंडर्स और सप्लायर्स, इन सब के लिए भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इसी तरह कोई लॉ नया बना है, उसको इन्फोर्स करवाने के लिए, उसको फॉलो करवाने के लिए, लीगल सिस्टम्स के लिए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, यानी कि साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करवाने के लिए, उसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनली कोऑर्डिनेट करने के लिए, और CIRT यानी कि कंप्यूटर इंसिडेंट रिस्पांस टीम, यानी कि ऑन द लेवल ऑफ कंप्यूटर या ऑनलाइन वे में अगर कोई एरर रिपोर्ट करना है तो उसको कैसे किया जाएगा, राइट। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की और सेक्टर्स की, तो बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं,
उनमें टेलीकॉम्स में आर्म्ड फोर्सेस जैसे आर्मी नेवी ये सारा कुछ उनके लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ज़रूरी है या वो इम्प्लीमेंट करती हैं कोई फेडरल आईटी बोर्ड्स या प्रोविंशियल जो प्रोविंस लेवल पे होते हैं जैसे पंजाब के जो आईटी बोर्ड्स हैं इसी तरह सिंध आईटी बोर्ड एंड ऑल दैट इसी तरह इंटरप्राइजेज जो न्यू इंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस हैं उन सब के लिए और इसके अलावा बहुत सारे अदर सेक्टर्स पर जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्टेशन हेल्थ इंश्योरेंस इन सब में जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया जाना ज़रूरी है राइट इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो एपसेट और एनीसा एनीसा बेसिकली क्या है आपके पास देखिए आप स्लाइड्स में जितने आपके पास लाइक ऐसे एब्रिविएशन या इस तरह के जो हैं लाइक जो आपके सिलेबस में आपके कॉन्टेक्स्ट में है मेक श्योर करें कि वो आपको अच्छे तरीके से आते हो ठीक है। और यहाँ पे अब जैसे एनीसा का आपको बताया हुआ है कि यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तो बेसिकली एनीसा और एपसेट ये दोनों जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हैं। इसी तरह आईटीयू जो टेली कम्युनिकेशन यूनिट है इसकी एक है आईटीयू इम्पैक्ट ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करती है। अगर कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करें तो इसमें इसाका और ICSC2OS क्लाउड सिक्योरिटी अलाइंस ये डिफरेंट नेम्स हैं यू जस्ट नीड टू रिमाइंड एंड मेमोराइज ऑल दैट राइट। इसी तरह PCSA जिसका हमने पढ़ा था कि लाइक ITU की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान बहुत बॉटम लाइन में था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिहाज से तो फिर इसलिए जो है वो ये एसोसिएशन जो है वो फॉर्म की गई जिसका नाम है PCSA ताकि अच्छे से जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अच्छा यहाँ पे आपके पास लास्ट स्लाइड है डेमिया एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसमें बेसिकली SANS जो हमसे एडमिन ऑडिट नेटवर्क एंड सिक्योरिटी ये पढ़ गए हैं और इसी तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च बेस्ड उसका नाम है सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इन सब के डिफरेंट लिंक्स जो हैं वो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड हैं। ओके नेक्स्ट आपके पास आ गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क 4 लेयर्स। अच्छा आप यहाँ पे देखें कि ये बेसिकली 4 लेयर्स हैं। सबसे पहले आपके पास है सिक्योरिटी हार्डनिंग फिर उसके बाद वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड एट द वेरी एंड यू हैव सिक्योरिटी गवर्नेंस। कहने का मकसद है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है और कोई सामने वाला कोई आपका ओनर आपका हेड कह दे कि इस पे इस सिस्टम पे इस इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अप्लाई करो लाइक मेक द इंफॉर्मेशन और मेक द इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योर तो आपने क्या करना है कि आपने कहना है कि भाई 4 लेयर्स हैं फ्रेम की फ्रेमवर्क की और इन चारों लेयर्स को जो है वो स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम 1 to 4 फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है सिक्योरिटी हार्डनिंग। देखिए अब यहाँ पे ये जो ऊपर स्लाइड है मेक श्योर करें कि पहले स्टेप की जगह पहले दूसरा नहीं हम परफॉर्म कर सकते दूसरे की जगह चौथा नहीं हो सकता चौथे की जगह पहला नहीं हो सकता। कहने का मकसद है कि सीक्वेंस ऑफ दीज 4 स्टेप्स मैटर्स अ लॉट। सो सबसे पहले आपके पास आ गया सिक्योरिटी हार्डनिंग। इसमें आपने क्या करना है कि आपकी इंफॉर्मेशन में आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में जितने भी आईटी के एसेट्स हैं रिसोर्सेज हैं उन सबको कंपाइल करना है इकट्ठा करना है एक जगह पे फिर उसके बाद मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन अगेन MCQs के लिए अच्छे से करना है। और ये जो फ्रेमवर्क है 4 लेयर्स का ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन एट द मोस्ट बेसिक लेवल यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कह लें कि फर्स्ट स्टेप होता है इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने का वो हम मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन में करते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी कंट्रोल्स और बेंचमार्क्स को रिसर्च करना है उसके बाद उनकी टेस्टिंग करनी है उन कंट्रोल्स को लाइक इम्प्लीमेंट करवाना है लागू करवाना है और उसके अलावा कोई भी अगर कंट्रोल्स हैं उनका चेकलिस्ट उनकी तैयार करके रखनी है और उनको अपडेट करना है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाता है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी रिस्क या फ्लॉज जो किसी सिस्टम में किसी इंफॉर्मेशन में हो सकते हैं या हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है ये नेक्स्ट स्टेप है। तो देखें इसमें क्या करना होता है आपने इंटरनल टूल्स को परचेज करना होता है जैसे नेसेस क्वालिस ठीक है। उसी तरह हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को जो कंडक्ट करना है यानी कि हमने कह लें कि टेस्टिंग करनी है और देखना है कि हमारी इंफॉर्मेशन में हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में लाइक वो कितना अडेप्टबल है और कितने उसमें फ्लॉज हैं या कितने फ्यूचर में आ सकते हैं। उसके अलावा प्रायोरिटाइज लाइक आपने प्रायोरिटी सेट करनी है किस स्टेप में वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में। उसके अलावा अगर कोई एरर आ रहा है कोई इशू आ रहा है कोई बग आ रहा है तो उसको फिक्स करने के लिए रिपोर्ट भी करना है और फिर साइकिल जो है वो ये यानी कि ये जो पूरा साइकिल है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का इसको जो है आपने
क्वार्टर बेसिस पे या मंथली बेसिस पे हर महीने जो है वो रिपीट भी करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में आपके पास सबसे पहले जो रिस्क प्रोफाइल्स होती हैं, जो लाइक वल्नरेबल होती हैं जिनमें रिस्क आ सकता है, उनको असेस करना है, उन तक रीच करना है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को फाइंड करना है, फिर कोई ऐसा आर्किटेक्चर, कोई फ्रेमवर्क, कोई खाका तैयार करना है जिससे हम सिक्योरिटी को उस पर अप्लाई कर सकें, ठीक है, और फिर उनको इम्प्लीमेंट कर देना है। और आखिरी आपके पास स्टेप होता है टेस्टिंग का। लास्ट आपके पास फ्रेमवर्क में आ गया सिक्योरिटी गवर्नेंस। अब गवर्नेंस यहाँ पे वर्ड आ जाए उसका मतलब है कि वहाँ पे किसी खास पॉलिसी या प्रोसीजर की बात हो रही है, उसके अलावा यहाँ पे मैनेज कैसे हमने करना है सारे रिस्क्स को, और उसके अलावा यहाँ पे देखें जो बेसिक गवर्नेंस की एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी सिक्योरिटी गवर्नेंस में आनी है, जैसे मैनेजमेंट को अगर चेंज करना है वो कैसे कंट्रोल करें, अगर कोई लाइक इंसिडेंट, कोई हादसा टाइप कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया उसको कैसे मैनेज करना है, और फिर इंटरनल ऑडिट क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। परफॉर्मेंस रिव्यूज़ की भी हम बात कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। दैट इज़ व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हार्डनिंग। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि लाइक आपके पास जितने भी आईटी के एसेट्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी वसाइल हैं, जितने भी सिराए हैं, उन सबको ऐसे कन्फिगर करना है, ऐसे उनको स्ट्रक्चर करना कि हम सिक्योरिटी को मैक्सिमम कर सकें, और उसके अलावा जो सिक्योरिटी रिस्क हैं उनको मिनिमम कर सकें, इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी हार्डनिंग। यानी कि जिस इंफॉर्मेशन को, जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम को आपने सिक्योर बनाना है उसके लिए सबसे पहले आपने करनी है सिक्योरिटी हार्डनिंग। सिक्योरिटी हार्डनिंग में क्या होगा कि पहले फाइंड आउट करें कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। वंस यू फाइंड आउट दोज रिसोर्सेज, दोज एसेट्स, तो आपने जो उनको सिक्योर कर लेना है। क्यों? ताकि आपका वो जो सिक्योरिटी है वो मैक्सिमम हो जाए और जो रिस्क हैं वो मिनिमम हो जाए, ठीक है। अब आईटी एसेट्स की एग्जांपल कोई नेटवर्क भी हो सकता है, जैसे लैन मैन वैन, इसी तरह कुछ सिस्टम्स, आपका वेब सर्वर इस तरह का हो सकता है। इसके अलावा एप्लीकेशंस अगर कोई आप स्पेसिफिक यूज़ कर रहे हैं वो भी आपका आईटी एसेट है। इसी तरह डेटाबेसिस जैसे नादरा वगैरह में या सीक्वल में हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अलावा मोबाइल्स और फिज़िकल हमारी सिक्योरिटी। तो कहने का मकसद है कि ये जो सारे आईटी एसेट्स हैं इनकी ऐसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, लाइक बाय डिफ़ॉल्ट इनकी ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होती, ज़्यादा सिक्योर नहीं होती, तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी हार्डनिंग परफॉर्म करनी पड़ती है, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी इन द ट्रेंचेस। सिक्योरिटी इन द ट्रेंचेस का क्या मतलब है कि सिक्योरिटी एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, सबसे बेस लाइन में, सबसे फर्स्ट स्टेप जो सिक्योरिटी का आता है उसको कहते हैं सिक्योरिटी इन द ट्रेंचेस। और अगर सिक्योरिटी इन द ट्रेंचेस यानी कि सिक्योरिटी हार्डनिंग ही आपने परफॉर्म नहीं की तो क्या होगा कि फर्दर और कोई भी स्टेप आप जितना अच्छा मर्जी परफॉर्म कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सिक्योरिटी इन द ट्रेंचेस, ऑल्सो कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हार्डनिंग, ठीक है। और अगेन एमसीक्यूस या शॉर्ट के लिए ये बेसिकली परफॉर्म कौन कर रहा होता है? जूनियर स्टाफ कर रहा होता है, और उस जूनियर स्टाफ को जो सिक्योरिटी इन द ट्रेंचेस परफॉर्म कर रहा है उसको एक्स्ट्रा गाइडेंस की, ट्रेनिंग की, स्क्रूटनी, इन सब चीज़ों की भी जो है वो डेफिनेटली ज़रूरत है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास 8 स्टेप्स जो हैं वो बेसिकली बताए हुए हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हार्डनिंग के। इनको आपने 2-3 बार रीड कर लेना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं क्रिटिकल एसेट्स, यानी कि एसेट्स आपकी आईटी के, आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में कौन कौन से हैं और उनके ओनर कौन है, हेड कौन है। फिर उसके बाद आपने सिक्योरिटी कंट्रोल्स को रिसर्च करना है, फिर उनकी चेकलिस्ट बनानी है, फिर उनको एक एसओपी की, एक रूल की, स्टैंडर्ड की शक्ल में लिख देना है, डॉक्यूमेंट कर देना है। फिर उनको जो है उन्हीं कंट्रोल्स को जिनको आपने डॉक्यूमेंट कर लिया हुआ है उनको इम्प्लीमेंट करना है किसी टेस्टिंग सिस्टम पे, जो टेस्ट सिस्टम आपने बनाया है जिस पे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। फिर वैलिडेशन का स्टेप आ जाता है जिसमें हम कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद चेंज मैनेजमेंट आएगी और आखिर में उसको इम्प्लीमेंट, उस प्रोडक्शन को और उस मोनीटर्स वगैरह को कैसे करना है, राइट, उसको मोनीटर कैसे करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फर्स्ट स्टेप ही क्यों है, सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल में सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटी हार्डनिंग होती है वो बेसिकली सिक्योरिटी इन द ट्रेंचेस है, दैट इज़ एट द मोस्ट बेसिक लेवल। तो जो सबसे बेसिक लेवल होता है जाहिर सी बात है कि पहले वही परफॉर्म करते हैं ना, एक सबसे पहला स्टेप लेंगे तो आगे 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 हम स्टेयर्स पे जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप नीचे खड़े हों और सबसे पहले हम हाईएस्ट स्टेयर पे स्टेप रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहने का मकसद है कि जो बेसिक, जो फंडामेंटल सिक्योरिटी है उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, एंड वंस वी आर डन विद दिस देन वी कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एंड ऑनवर्ड्स, राइट।
अच्छा, आप वो कह रहे हैं कि एग्जांपल दो, तो वह सिस्को राउटर सिक्योरिटी हार्डनिंग, इसमें बेसिकली अगर कोई आपको कहे कि सिस्को राउटर पे सिक्योरिटी हार्डनिंग हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो आपने कहना है कि भाई सिक्योर शेल के ज़रिए से दूर वाले एरियाज़ को, रिमोट एरियाज़ को एक्सेस करो, एक्सेस करो, ठीक है। उसके अलावा टेलनेट इनसिक्योर होता है तो उसको यूज़ ना करें। इसी तरह कोई सर्विसेज, कोई फीचर्स, कोई ऐप्स अगर ऐसी हैं जिनको यूज़ नहीं किया जा रहा तो उनको ऑफ़ कर दें। उसके अलावा सेशन टाइम आउट एंड पासवर्ड रिट्राई लॉकआउट, जैसे आपने अपने LMS पे भी देखा होगा कि अगर 5 से ज़्यादा बार हम इनकरेक्ट पासवर्ड अप्लाई कर दें तो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए LMS जो है वो लॉक हो जाता है। तो ये सारा कुछ आ जाता है सिक्योरिटी हार्डनिंग में, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ वाई इज़ वट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। तो देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी आपको गवर्नेंस का वर्ड मिलेगा तो इसका मतलब है कि कोई मैनेजमेंट की, कोई पॉलिसीज प्रोसीजर्स की बात हो रही है, राइट। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस बेसिकली क्या है कि आपके पास कोई सिक्योरिटी प्रोग्राम है, उसको हमने अच्छे तरीके से कैसे मैनेज करना है, कैसे रन करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो आ जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस में। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी ज़िम्मेदारी है, बोर्ड की और सीनियर मैनेजमेंट की। जो सिक्योरिटी हार्डनिंग थी वो ज़िम्मेदारी थी जूनियर स्टाफ की, जूनियर मैनेजमेंट की। इसी तरह से जो गवर्नेंस है वो बोर्ड की और सीनियर मैनेजमेंट की है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आ रही है इसकी कि ये सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो बोर्ड और मैनेजमेंट जो है परफॉर्म करती है। और इसका गोल बेसिकली क्या होता है कि डायरेक्शन हमने देनी होती है अपने पूरे सिक्योरिटी प्रोग्राम को। इसी तरह हमने ये मेक श्योर करना होता है कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई रिस्क हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास है ISO 27001:2013 ISMS। अच्छा, अब यहाँ पे आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये याद रख लेना है पूरी यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट्स। उसके अलावा ISMS का एब्रीविएशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। अब इससे बेसिकली क्या होता है, ये ISO बेसिकली एक स्टैंडर्ड है ISMS, और इसका ये जो वर्जन है वो मोस्ट वाइडली यूज है इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अच्छा, अब ये जो बेसिकली ISO का हमने स्टैंडर्ड पढ़ा है, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, एक मॉडल। किस चीज़ के लिए मॉडल प्रोवाइड करता है कि हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपके पास उसको इस्टेब्लिश कैसे करना है, बनाना कैसे, उसके अलावा हमने उसको फॉलो कैसे करवाना है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, चलाना कैसे है, उसको मॉनिटर कैसे करना है, चेक कैसे करना है, उसका रिव्यू कैसे करना है, उस पर परफॉर्मेंस चेक कैसे लगाना है, उसको मेनटेन कैसे रखना है, ठीक है। उसके अलावा उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट, कोई उसकी ज़रूरत है तो वो कैसे करनी है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि द ISO स्टैंडर्ड, वही जो आपने अभी ISMS पढ़ा है, उसमें 10 शॉर्ट क्लॉजेज़ हैं और एक उसका लॉन्ग एनेक्स है जिसमें 114 कंट्रोल्स हैं और उनके टोटल 14 ग्रुप्स बने हुए हैं। और इसके अलावा ये 27,000 प्लस सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड की इसने 2015 में। तो अब नाउ डोंट गेट कन्फ्यूज कि यहाँ पे 10 शॉर्ट क्लॉजेज एंड लॉन्ग एनेक्स और ये सारा कुछ क्या है। तो जैसे आपने कभी पाक स्टडीज़ में पढ़ा होगा 1965 का कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरह से 1973 का, 1956, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो आइन होते हैं पाकिस्तान के की हिस्ट्री में, इसी तरह से ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक पूरा सिस्टम चलता आ रहा है, इसमें भी डिफरेंट ये जो प्रोटोकॉल्स या स्टैंडर्ड्स हैं उनके फिर आगे क्लॉजेज हैं या निकात जिसे कहते हैं, पॉइंट्स हैं। तो असल में बस ये बेसिक पॉइंट्स यही हैं कि 10 शॉर्ट हैं और उनमें एक लॉन्ग एनेक्स बना हुआ है, उसके टोटल 114 कंट्रोल्स हैं जो 14 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। यहाँ पे हमारी ये वीडियो एंड होती है। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। और इन सब टॉपिक्स में अगर कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। टिल देन, खुदा हाफिज़।